हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तिगरी मेले और सेक्टर 11 के पास बनेगा सबसे बड़ा घाट, तैयारियां तेज। विधायक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिया तैयारियों का जायजा। मेले और पहुंचा कई प्रकार के झूलों का सामान, मौत का कुना भी बनने लगा गजरौला। ऐतिहासिक तिगरी मेले के आयोजन की तैयारियां अब युद्ध स्तर पर की जा रही है। गंगा का पानी स्तर अधिक होने के चलते इस बार घाट बनाने और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने 11 घाट बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक केवल 4 घाटों के स्थान ही तय हो पाए हैं। मंगलवार को विधायक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तिगरी पहुंच मेले की तैयारियों का जायजा लिया। सेक्टर 11 के सामने एक बड़ा घाट बनाने की तैयारी की जा रही है। अफसरों की माने तो यह घाट 3 से 4 घाटों के जितना बड़ा रहेगा। माना जा रहा है कि यह घाट मेले का मुख्य घाट रहेगा। यहीं पर सबसे अधिक श्रद्धालु एक साथ स्नान कर सकेंगे। इस दौरान मेले और स्वच्छता बनाए रखने के लिए इस बार कई उपयोग किए जाने का तैयारी अफसरों जरिए की जा रही है। गंगा और भी सफाई का संदेश लिखे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे। तिगरी और तंबुओं का शहर बसना शुरू हो गया है। ऐतिहासिक तिगरी मेला इस बार 25 अक्टूबर को शुभारंभ होना प्रस्तावित है। तिगरी मेले को सरकारी मेले का दर्जा मिलने के बाद मेले के मुताबिक इस बार मेला आयोजन की तैयारियों और अफसर पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। इस बार मेले को उत्सव की तरह सजाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम की वजह से मेले को व्यवस्थित रूप और बसाना अफसरों के लिए चुनौती बना हुआ है। अफसर दिन रात मेला तैयारियों और जुटे हैं। इसके चलते तिगरी मेला सजना शुरू हो गया है। पुलिस लाइन का कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। कई प्रकार के झूलों और मौत के कुआं का सामान तिगरी मेला स्थल पर पहुंच गया है। मेले और इस बार अफसरों के सामने श्रद्धालुओं को सकुशल और शांतिपूर्वक स्नान कराना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इस बार पानी स्तर अधिक होने की वजह से घाटों की संख्या बहुत कुछ रहेगी। 11 घाट बनाने तय किए गए थे, लेकिन 4 घाटों का स्थान ही सुनिश्चित हो पाया है। इसी को देखते हुए मंगलवार को मंडी धनौरा विधायक राजीव तराड़ा, जिलाधिकारी नवनीत सिंह छल और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र मेला स्थल पहुंचे। तैयारियों का बारीकी के साथ जायजा लिया गया। घाटों की संख्या बढ़ाने के लिए सेक्टर 11 की तरफ गोताखोरों की सहायता से सही स्थान की जाँच कराई गई। अफसरों की माने तो यहीं पर मेले का सबसे बड़ा घाट बनाया जाएगा। यहां 3 से 4 घाटों जिनका बड़ा स्थान स्नान के लिए सही माना जा रहा है। यदि यहां घाट बनाया जाता है तो श्रद्धालुओं को काफी दूर पैदल चलना भी पड़ेगा। तिगरी और तंबुओं का शहर तेजी से बसना शुरू हो गया है। स्वच्छता मिशन का हर जगह संदेश देंगे होर्डिंग गजरौला। स्वच्छता मिशन का हर जगह संदेश देने के लिए होर्डिंग्स लगवाए जाएंगे। धनौरा SDM गंभीर सिंह ने बताया कि बीच गंगा और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाएंगे, जिस पर साफ साफ लिखा होगा कि स्वच्छता बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। होर्डिंग्स पर यह भी लिखा होगा कि पहले और अब और सफाई के लिए क्या क्या नई व्यवस्था की गई है। घाट 7 और 8 पर टीम की होगी बैरिकेडिंग गजरौला। इस बार गंगा का पानी स्तर अधिक होने के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अफसर अधिक विचार कर रहे हैं, इसलिए घाटों की संख्या अधिक नहीं हो पा रही है। थानाध्यक्ष अरविंद मोहन शर्मा ने बताया कि घाट संख्या 7 या 8 पर अधिक पानी होने के चलते यहां स्नान नहीं हो पाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर यहां कोई भी स्नान करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए यहां टीम की बैरिकेडिंग की जाएगी। इस बारे और पुलिस अधीक्षक को भी बताया जा चुका है। स्थान को लेकर दुकानदारों और मारामारी गजरौला। स्थान को लेकर दुकानदारों और मारामारी का सिलसिला शुरू हो गया है। तिगरी मेले और सदर चौक पर हर कोई हमी दुकान चलाने की चाहत रखता है, क्योंकि यहां सबसे अधिक भीड़ भाड़ होती है। अब मेला बसना शुरू हो रहा तो दुकानदार दुकानों का सामान लेकर मेला स्थल पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंगलवार को कई दुकानदार एक ही स्थान पर दुकान बनाने के चक्कर और मारामारी करते दिखाई दिए। पुलिस ने उसे किसी तरह से शांत किया।
मेले और अलग बनाया शमशान घाट गजरौला। ऐतिहासिक मेले के दौरान यदि कोई तिगरी और दाह संस्कार के लिए पहुंचता है तो उसे उधर मनचाही जगह दाह संस्कार करने की अनुमति नहीं है। प्रशासन ने तिगरी और शमशान घाट को अलग बनवा दिया है। मेले के दौरान दाह संस्कार करने वालों के लिए पुलिस चौकी के पास से होकर जाने वाले रास्ते से गुजरना होगा। उधर पर प्रशासन जरिए शमशान घाट का बोर्ड भी लगा दिया गया है, फोटो भी है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।